Hey guys, welcome back to our another video. So guys, आज हम बात करने वाले हैं Infosys and TCS के बारे में। अगर आपके पास Infosys या TCS दोनों के ऑफर लेटर होते हैं तो आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो चलो बताते हैं। पहले आपको सारी चीजें बता देता हूँ, कहाँ पे ट्रेनिंग क्या क्या मिलता है, आपका हाइक कहाँ ज्यादा होता है, आपको प्रोजेक्ट कहाँ अच्छे मिलते हैं, आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, आपको फूड कहाँ अच्छा मिलेगा, आपको कैंपस कहाँ अच्छे मिलेंगे, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं Infosys से। तो Infosys की आपको एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी होती है मैसूर, एंड मैसूर का जो कैंपस है ना वो वही गजब का कैंपस है। मैं Infosys रिकमेंड करूंगा ना तो मैसूर की कैंपस की वैसे एक बार रिकमेंड कर सकता हूं। जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है ना Infosys में कि आपको ना मैसूर कैंपस जाना पड़ता है एंड वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है। अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ना तो उसके चक्कर में घर से ट्रेनिंग हो रही है, बट मे बी अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है मैसूर से ट्रेनिंग कराना। अगर आपको Infosys मिलती है तो एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जो कि आपको ना TCS में ये चीजें ना मिलेंगी। TCS में आपकी ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, बट आपको मैसूर वाला कैंपस नहीं मिलेगा TCS में, ना TCS का मे बी मैसूर में कोई कैंपस है। अभी आपकी TCS में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, Infosys में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, अब आता है आपका प्रोजेक्ट में मैप होना। देखो मैं आपको सही बताऊं, Infosys और TCS दोनों में प्रोजेक्ट, देखो TCS के पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि TCS आपको पता ही है, बट Infosys के पास प्रोजेक्ट्स हैं नो डाउट, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं, बट वहां पे ना बेंच पे आपका कोई आइडिया नहीं है कि आपको कितने मंथ के लिए बेंच पे रहना पड़ेगा। जैसे मैं हूं ना, मैं 8 मंथ तक बेंच पे रहा था, तो आप अपने आप को आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको बेंच पे मिला तो बेंच पे रहने का बस एक अच्छा प्रॉफिट है कि आपकी सैलरी तो आएगी बट आपको ना सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट में मैप नहीं हो, आप सीधा घर पे बैठे हुए हो और जीरो नॉलेज हो जाएगी आपकी, आपके जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है वो भी आपके दिमाग में से सारा उड़ जाएगा। ये लॉस होता है Infosys में, बट TCS में आपको अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलेंगी। तो अगर आपको बेंच पे भी रहना पड़ा तो हार्डली 1 मंथ तक या 2 मंथ तक रहना पड़ेगा। तो ये ना TCS की साइड अच्छा पॉइंट है, बट Infosys की साइड ये अच्छा पॉइंट नहीं है। अभी बात आती है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। नो, पहले बात आती है प्रोजेक्ट असाइन। तो प्रोजेक्ट आपको दोनों में सेम मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, सपोर्ट के प्रोजेक्ट मिलेंगे। डेवलपमेंट का मैंने बताया कि आईटी कंपनीज में ना डेवलपमेंट के 10% प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपके लक पे डिपेंड करते हैं कि आपका अगर लक अच्छा है तो आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वरना आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम करना ही पड़ेगा। अब आती है बात कैंपस लाइफ की। तो दोनों के कैंपस बहुत अच्छे बने हैं। आप बात कर लो TCS की तो TCS के भी कैंपस बहुत अच्छे बने हैं, बट मुझे लगता है ना Infosys के जो कैंपस है ना वो TCS से फार बेटर है। जैसे आप, मैंने मैसूर का कैंपस देखा है एंड पुणे का देखा है, पुणे में भी दो कैंपस है, दोनों मैंने कैंपस विजिट किए थे, तो दोनों कैंपस बहुत अच्छे हैं। भुवनेश्वर में, जयपुर में, गुड़गांव में, हर जगह वहाँ के कैंपस हैं Infosys के। TCS के भी यहाँ हर जगह हर लोकेशन पे, बट मुझे लगता है ना Infosys के कैंपस अच्छे हैं। कैंपस अच्छा मतलब आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी अंदर, मतलब आपको प्लेग्राउंड एंड टेनिस वगैरह, जो भी आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, सारी चीज वो आपको Infosys और TCS में मिलने वाली है, बट Infosys में मुझे लगता है ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको। अभी बात आती है सैलरी की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी स्ट्रक्चर कहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू बोथ कंपनीज, या दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ना Infosys का सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू TCS। तो मतलब आप ना दोनों कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के में ग्रोथ सेम ही है, दोनों के में इंक्रीमेंट भी सेम ही होता है और ज्यादा नहीं होता, मतलब आपको हाइक वगैरह ये सब दोनों के में सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ TCS मत ज्वाइन करना अगर आप फ्रेशर हो। उसका रीजन एक ही है कि TCS में ना नो रीहायरिंग प्रोसेस है। दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार TCS ज्वाइन कर लिया तो आप ना दोबारा से TCS नहीं जा सकते। अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर लिया एंड 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपने कंपनी को छोड़ दिया तो आपके पास ना दोबारा से TCS ज्वाइन करने का ऑफर होगा ना वो चला जाएगा, आप दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते। बट Infosys में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप Infosys द्वारा से ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एज अ फ्रेशर TCS में मत जाओ। अगर आपके पास ना अच्छा पैकेज हो जाता है, जैसे 30 लाख या 40 लाख का पैकेज होता है एंड आप चाहते हो कि अभी मेरे को ना स्टे करना है एक अच्छी कंपनी में जहां पे मैं ना अपना काफी टाइम स्पेंड करूं एंड मेरी जॉब ना सिक्योर रहे, तो TCS आपके लिए ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तब। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एज अ फ्रेशर ज्वाइन मत करो, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए ना तब आप TCS ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप बहुत ज्यादा होशियार हो, आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है ना तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।